Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about molality. Previous lecture में मैंने आपको molarity complete करवाया था. Hope so आपने questions कर लिए होंगे. तो अब हम करने लगे हैं molality के बारे में. Students, molality क्या होता है? Molal बीच के अंदर ही इसके अंदर आपको word दिख रहा है, मतलब moles से कहीं ना कहीं related है. हाँ जी, तो ये moles से बिल्कुल related है. देखते हैं मोलालिटी क्या होता है. मोलालिटी स्टूडेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. अब इसको समझने के लिए मैं यहां पर मोलालिटी की बात करती हूँ. मैं बात कर रही हूं मोलालिटी की. मोलालिटी क्या होता था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मतलब कि हम मोल्स तो ऊपर लेते थे सॉल्यूट के, डिवाइड में हम लेते थे वॉल्यूम, वो भी किसका? सॉल्यूशन का. लेकिन मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मोल्स तो सेम है दोनों के, सॉल्यूट का ही ऊपर लिया, लेकिन यहां पर हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यहां हम लेते थे वॉल्यूम इन लीटर्स और यहां हम लेते हैं मास किसका? सॉल्वेंट का. बच्चों हमेशा से मास परसेंटेज ले लो, कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म ले लो, हम नीचे सॉल्यूशन की बात करते थे. लेकिन मोलैलिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितने मास में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसे बोलते हैं मोलालिटी. भी कितने सॉल्वेंट के मास के अंदर, भी 1 kg सॉल्वेंट के मास के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा? मोलालिटी. अब मोलैरिटी की जो यूनिट होती थी वो होती थी मोलर. इसकी यूनिट होती थी मोलर, लेकिन मोलैलिटी की यूनिट होती है मोलल, MOLAL. ठीक है, और इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. स्टूडेंट्स मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे. एक बार फिर से देखिए क्या है फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वो दे देता है बी 3 मोलल, ठीक है, 3 मोलल NaCl दे देता है. इसका मतलब क्या हुआ भी? कितने मोल्स प्रेजेंट है? 3 मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में? तो आप वहां से सॉल्वेंट का क्या निकाल लोगे? मास निकाल लोगे. इतना कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ डेफिनेशन याद करिए क्या होती है इसकी, फॉर्मूला याद कीजिए, यूनिट याद कीजिए और सिंबल याद कीजिए. इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इसे करवाऊंगी. सो स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला के ऊपर. एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, राइट? तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है. फाइंड मोलैलिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. आपको क्या बोला उसने? मोलैलिटी निकालने को बोला है 40 ग्राम NaOH का जो डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. बच्चों एक बार पहले फॉर्मूला लिखते हैं मोलैलिटी का. मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. क्या होता है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यहां पर क्वेश्चन में आपको ग्राम भी दे रखा है, तो अगर हम इसे ग्राम में ले रहे हैं तो इसे 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा. तो अब आप देख सकते हो अब हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सॉल्यूट के, सेकेंड हमारे पास मास होना चाहिए सॉल्वेंट का. क्या क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे रखी है? देखो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है सॉल्यूट का. हमें दे रखा है गिवन मास सॉल्यूट का कितना? 40 ग्राम. और हमें क्या चाहिए सॉल्यूट का? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. तो
तो आ जाइए मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 40। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? यहाँ देखिए NaOH सोडियम का होता है 23, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि कितना आ गया? 40 ग्राम्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 1 आ गए। मतलब कि हमारी ऊपर वाली चीज हमने निकाल ली है। हमें गिवन मास 40 ग्राम दे रखा था, हमें NaOH बोला हुआ था, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। अब आप देखिए सेकेंड चीज, हमें क्या पता होनी चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ उसने 100 ग्राम मास किसका दिया है? सॉल्यूशन का। तो बच्चों सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। हमें दे दिया, देखो सॉल्यूशन का मास इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का कितना दे रखा है? 40 प्लस सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 60 ग्राम किसका आ गया? सॉल्वेंट का आ गया। तो अब देखिए क्या डालना है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 1 अपॉन मास 60 ग्राम्स इनटू 1000 करेंगे, क्योंकि हमने ग्राम्स में लिया था, केजी में होना चाहिए था, इस वजह से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 100/6, सॉरी मोलल, MOLAL। ये क्या आ जाएगी? मोलालिटी आ जाएगी 40 ग्राम NaOH की डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार नोट करो, फिर से रिपीट करवाऊंगी। नोट कीजिए बच्चों इसे। अब देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अपना फॉर्मूला लिखो। उसने बोला भी मोलालिटी कैलकुलेट करो, तो मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में होता है, ग्राम्स में करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट? अब क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के। सेकंड मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? हमें गिवन मास दे दिया था उसने 40 ग्राम, NaOH दे दिया था, NaOH से मॉलिक्यूलर मास आ गया 40। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। 40/40 कितना आ गया? 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब हमें उसने क्या दे रखा था? अभी 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है, जिसमें से सॉल्वेंट 40 ग्राम है, सॉल्यूट 40 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके कितना आ जाएगा? 60। तो यहां पर हमने क्या डाल दिया? 60। इसी इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए और सॉल्वेंट का मास डाल दिया, तो क्या आ गया हमारा आंसर? 100/6 मोलल आ गया। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। फाइंड मोलालिटी ऑफ 15% H2SO4 वेट बाय वेट, यानी कि 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। याद है मास परसेंट करवाया था, मास परसेंट को मैं वेट बाय वेट भी बोलती हूँ। तो बच्चों 15% का मतलब क्या हुआ? 15 ग्राम H2SO4 किसमें प्रेजेंट है? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन बोलती हूँ, फिर आगे नोट डाउन करूंगी। तो मैंने बोला मोलालिटी निकालिए 15% H2SO4 सॉल्यूशन की इन वाटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने आपको अभी बोला 15% H2SO4 का क्या मतलब हुआ? 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? आप एक बार अपना फॉर्मूला देखिए और आपको क्या क्या चाहिए आप वो देखिए। पहला फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? जो कम क्वांटिटी में है, 15 ग्राम, 15 ग्राम्स कम क्वांटिटी में है, ये सॉल्यूट है, H2SO4 सॉल्यूट है, तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है स्टूडेंट? सॉल्वेंट है वाटर, लेकिन हमें इसका मास पता ही नहीं। लेकिन हमें क्या पता है? हमें सॉल्यूट का मास पता है, हमें सॉल्यूशन का मास पता है। मतलब ये 15% क्या काम कर गया? ये हमें सॉल्यूट का मास बता गया और सॉल्यूशन का मास बता गया। जिन बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है भी 100 ग्राम्स कहाँ से आया, वो बच्चे मास परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो वेट बाय वेट या 15% H2SO4 का मतलब है 15 ग्राम्स ऑफ H2SO4
are present in 100 grams of solution. तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सॉल्यूट का मास निकाल दूं तो वो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 85 ग्राम्स क्या आ गया मेरा सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया 85 ग्राम्स। एक चीज आ चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। स्टूडेंट्स आपके पास गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो, तो 2 इनटू हाइड्रोजन का मास यानी कि 1, प्लस सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1, कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 32 + 64, 34 + 64 यानी कि 98 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास यानी कि 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी कि 98। ये चीज आप कहां पुट करोगे, इधर इस फॉर्मूला में। तो देखिए अब इस फॉर्मूला को यहां लिखती हूं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 15 / 98। नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास आपका सॉल्वेंट का ग्राम्स में है, 85 है, तो ऊपर किससे इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ मैंने क्या बताया। तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कीजिए। सो बच्चों देखिए क्या पूछा था मैंने, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 15% H2SO4। कई बार तो वो आपसे मोलैलिटी सिंपल पूछ लेता है नंबर ऑफ मोल्स देख के और मास देख के, कई बार वो ऐसे कंफ्यूज कर देता है 15% H2SO4 देख के। इसका मतलब क्या हुआ, भी 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें सॉल्यूट का मास मिल जाएगा और सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो इस चीज से हमने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, 85 ग्राम सॉल्वेंट का मास आ गया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई इन तीन चीजों में से। मोलैलिटी तो कैलकुलेट करनी है, मास आ गया सॉल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना है 15 ग्राम, कहां से आया 15% से, 15 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करती हूं मैं तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, तो 15 / 98 मेरे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरी मोलैलिटी ये आ जाएगी, इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सिंपल सा है मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसमें उसने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, उसने आपको सीधा सॉल्वेंट का मास नहीं दिया, उसने सॉल्यूशन के साथ आपको घुमा दिया। नहीं नहीं उसने सॉल्यूशन का भी मास नहीं दिया, उसने सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी और थोड़ा सा उसने घुमा दिया। कहना देखते हैं भी बच्चे क्या इस क्वेश्चन को कर पाते हैं नहीं, और अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ भी आप इसे कर पाते हैं नहीं। तो देखिए करवाऊंगी तो सरी में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अभी तक हमने मोलैरिटी देख ली, ठीक है, मोलैरिटी के हमने दो पार्ट्स करवाए, मोल फ्रैक्शन देख ली, इतने क्वेश्चन से हम डील कर चुके हैं, तो ये कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से दिमाग लगाना है 5 मिनट लगा के भी क्या दे रखा है और क्या करना है। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिखो, फिर क्या निकालना है उसको लिखो, फिर वीडियो को चला के मुझसे चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्या है क्वेश्चन मैं डिक्लेयर करती हूँ। देखो इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है, गिवन मास दे दिया हमें NH3 का, इज डिसॉल्वड इन 100 ml of solution, यानी कि हमें वॉल्यूम दे रही किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी जाती है 1.2 ग्राम पर ml। देखो यहां पर मैं लिख के दिखाती हूँ मुझे दे क्या रखा है और फिर मुझे कैलकुलेट क्या करना है। मुझे दे रखा है गिवन मास, मुझे क्या दे रखा है गिवन मास दे रखा है किसका, सॉल्यूट का, कितना दे रखा है 0.85 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम दे रखा है मुझे सॉल्यूशन का,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मुझे 100 ml, उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है स्टूडेंट्स। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है मुझे, 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है। मुझसे पूछता है मोलैलिटी निकालो, तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। अब बच्चों मुझे बताओ इसमें से दे क्या रखा है हमें, निकालना तो मोलैलिटी है। देखो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए पहली चीज, और मुझे क्या दे रखा है, गिवन मास। कोई बात नहीं, हमें उसने ये भी तो बताया है NH3 प्रेजेंट है, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, उससे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। चलो एक चीज तो सॉर्ट आउट हुई। सेकंड देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ सॉल्वेंट के तो उसने कोई जिक्र ही नहीं किया, उसने किसका जिक्र किया है, उसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र किया है या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, उसमें से सॉल्यूट के मास को माइनस करेंगे, किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप ये चीजें लिख लीजिए भी हमें क्या दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसे नोट डाउन करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास निकालेंगे हम सॉल्यूशन का, डेंसिटी क्या दे रखी है, 1.2 इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मास क्या आ जाएगा, 120 ग्राम्स। ये किसका मास है, ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास है 120 ग्राम्स, सॉल्यूट का मास है 0.85 ग्राम्स, तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करके, सॉल्यूशन का कितना दे रखा है हमें, हमने निकाला अभी 120 माइनस कितना है सॉल्यूट का 0.85, इसे कैलकुलेट करोगे आप, सो इट विल कम, हाँ जी 119.15 जो आएगा आपका क्या आएगा, मास आएगा सॉल्वेंट का, ये है ग्राम्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 से इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास केजी में। अब नीचे वाली चीज तो निकल आई, ऊपर वाली चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास हमें दे रखा है 0.85, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो NH3 का, इसे इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकाला था उसे इरेज कर रही हूँ, नोट कर लिया होगा होप सो आपने, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला गिवन मास है 0.85, मॉलिक्यूलर मास किसका, NH3 का, कितना होता है नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसका कितना होगा 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 है तो 3, तो 14 प्लस 3 कितना होता है 17, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं गिवन मास यानी कि 0.85, तो इसकी 100 नीचे ले आई मैं डेसिमल, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 17, तो 17 5 85 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 5 बाय 100। अब यहाँ वैल्यू डाली मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 बाय 100 इंटू नीचे क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 119.15, इसके भी 100 ऊपर गए और ये ग्राम्स में था, इसे केजी में चेंज किया तो 1000। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों अब हम चलते हैं एक डेरिवेशन की तरफ, यानी कि एक रिलेशनशिप हम निकालेंगे मोलैलिटी के बीच में और मोलैरिटी के बीच में। सो स्टूडेंट्स अब हम देखने लगे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे ताकि कई क्वेश्चंस जिसमें आपको मोलैरिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछता है तो आप इतने ज्यादा लंबे मेथड से ना जाएं, उसे एक सिंपल मेथड जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सबसे पहले तो मैंने दोनों के फॉर्मूलाज लिख के दिखाए हैं आपको। मोलैरिटी क्या होता है स्टूडेंट, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वैसे ही अंडरलाइन किया है, कहीं आप इसे डिवाइड समझ लो, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है मोलारिटी। अब आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों तरफ आप देखोगे मोल्स कॉमन था। जब मैं मोलैलिटी एक्सप्लेन करने लगी थी तब भी मैंने आपको बताया था भी मोल्स कॉमन है, लेकिन यहां पर मोलैलिटी के केस में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और मोलैलिटी के केस में हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं। प्लस यहाँ मास लेते हैं, यहाँ वॉल्यूम लेते हैं। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे इन दोनों के बीच में, तो सबसे पहले तो आप डिवाइड करोगे मोलैरिटी बाय मोलैलिटी। मोलैरिटी वाले फॉर्मूला को मैंने पहले लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, यानी कि नीचे आएगा मोलैलिटी, यानी कि उल्टा हो जाएगा ना ये सारा ही, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ऊपर चला जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। एक बार यहां देखो ताकि कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैंने बोला मोलैरिटी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन से लिखते हैं मोल्स को, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे किससे डिवाइड करना है मोलैलिटी से। क्या है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब इसको लिखूंगी मैं क्या लिखूंगी, मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू मोल्स और ऊपर चला जाएगा मास, देखो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम इनटू मोल्स, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या निकाल दिया, एक ये इक्वेशन निकाल दी। इस इक्वेशन में जो चीज कॉमन है, जो चीज डिवाइड हो सकती है, वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कट गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी बाय मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो आगे क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था आपने मोलैरिटी को मोलैलिटी से डिवाइड करना है, वहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स काट दिए थे, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, मोलैरिटी बाय मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। अब बच्चों क्या करना है, केजी और लीटर्स को चेंज कर देंगे, केजी को हम ग्राम में चेंज कर देंगे और लीटर्स को हम एमएल में चेंज कर देंगे, तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000 से, तो 1000 1000 कट हो गया। हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएगी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते थे, मोलैरिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। एक बार आप इसे ना ही लिखिए क्योंकि मैं मास की बात कर रही हूं, तो यहां आप मोलैरिटी ही लिखिए, मोलैरिटी बाय मोलैलिटी। हां जी, तो मोलैरिटी बाय मोलैलिटी किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में। मास को बच्चों मैं डब्ल्यू से लिख लेती हूँ, ठीक है, वे मतलब डब्ल्यू से डिनोट करती हूँ सॉल्वेंट के मास को, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं वी से लिखती हूँ। अब देखिए सॉल्वेंट के मास की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको पता है जब भी कोई क्वेश्चन हमने किया है हम क्या करते थे, हमें डेंसिटी दे देते थे सॉल्यूशन की, वॉल्यूम दे देते थे सॉल्यूशन का, हम क्या करते थे वहां से सॉल्यूशन का मास निकाल लेते थे। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी डी से लिखा इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम करके मास सॉल्यूशन का निकाल लिया, वो क्या हुआ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास आ गया। लेकिन हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, वो कैसे निकालेंगे, जब हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे। अब सॉल्यूट का मास कैसे निकालते थे, याद है सॉल्यूट का मास निकालने के लिए मैं कहती थी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वही लगाना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यहां से गिवन मास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये सॉल्यूट का मास आ गया, ये आ गया सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यानी कि ये जो एम आया है डीवी माइनस क्या हो जाएगा गिवन मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या आ गया हमारा सॉल्वेंट का मास आ गया। अब इस सॉल्वेंट के मास की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगी, इधर, क्योंकि सॉल्वेंट का मास क्या है मेरा, देखो अब क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या है डीवी माइनस एन इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों वॉल्यूम है,
पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे थे, मोलैरिटी बाय मोलैरिटी कितना आ गया था, डीवी माइनस एन इंटू मोलिकुलर मास बाय वी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहां से आ गई थी। तो अब बच्चों मैं क्या करूंगी, इसको उल्टा कर दूंगी, मोलैरिटी को ऊपर कर दूंगी, मोलैरिटी को नीचे, इधर भी इसको उल्टा कर दूंगी। कर सकते हैं, देखो तो मोलैरिटी बाय मोलैरिटी क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय dv माइनस नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, मोलैरिटी को मैं यहां ले गई, जब मैं यहां लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये डिवाइड फॉर्म में था। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, v इनटू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय dv माइनस n इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब मैं क्या करूंगी, सारे को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, तो ये जो ऊपर वाला है हमारा न्यूमरेटर, इसका वी चला जाएगा क्योंकि वी वी से डिवाइड हो गया, क्या रह जाएगा ऊपर, मोलैरिटी। नीचे वाले को जब करूंगी बच्चों, डीवी का भी वी चला जाएगा, क्या रह जाएगा, डी डेंसिटी माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई वी था नहीं तो इसके डिवाइड में लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखो क्या फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डी माइनस नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है मोलैरिटी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये तो ml में था ना, अभी हमने कन्वर्ट किया था, तो इसको फिर से लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैं क्या करूंगी, डिवाइड, तो इसको रिप्लेस कर दूंगी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को मोलैरिटी से। तो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी बाय डेंसिटी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000। तो ये एक रिलेशनशिप हमने निकाल लिया है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में एक बार फिर से इसे याद करा के क्वेश्चंस की तरफ चलूंगी। सो बच्चों मैंने बोला मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय 1000। तो ये कहाँ अप्लाई होता है, जहां पर हमें डेंसिटी दे दे, मोलैरिटी दे दे और कहे मोलैलिटी निकालो, ये वहां अप्लाई होता है। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम क्या ये बोर्ड्स में आता है, क्या ये कॉम्पिटेटिव में आता है, कहाँ यूज होता है, तो आपको कई बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी डेरिवेशन। मैंने डेरिवेशन इसलिए कराई क्योंकि हम हर चीज रट नहीं सकते, हमें समझना भी होता है भी वो आई कहाँ से। ठीक है, कॉम्पिटिशन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बोर्ड्स में भी, क्योंकि हमने खुद डिराइव किया है। चाहे तो आप वहां पर अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन आता है, आप इससे मत करो, आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूला को। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने रिलेशन का यूज किया है। आप सब अगर रिलेशन को यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही फॉर्मूलाज में नंबर ऑफ मोल्स कॉमन चीज है। तो आपको अगर एक फॉर्मूला में से आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल लोगे, आप उसको दूसरे फॉर्मूला में पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी आप दोनों फॉलो कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूला के यूज कीजिए, क्योंकि वहां पर टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप बोर्ड्स को लेके चल रहे हैं तो आपको दूसरा भी पता होना चाहिए, दैट इज भी दोनों फॉर्मूलाज को यूज करो और फिर वैल्यू डालो। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको ये गलत नहीं करेंगे। सो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 18 मोलर, मोलैरिटी दे दी गई है, इट्स डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दे दी गई है, मोलैरिटी पूछा गया है, तो मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी कितनी बोली उसने, 18 मोलर, मैं अपने फॉर्मूला में डाल रही हूँ। डेंसिटी कितनी है, 1.8 माइनस मोलैरिटी कितनी थी, 18 इंटू मॉलिकुलर मास किसका, H2SO4 का, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, प्लस सल्फर के कितने हैं, 1, 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 है तो कितना होगा, 64, यहां से आ गया 98, तो यहाँ 98 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपकी मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आप उसे नोट डाउन कीजिएगा, उससे पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट क्वेश्चन।
एक्चुअली मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं था, तो आप क्या करना, लास्ट क्वेश्चन लिख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो होमवर्क देख लीजिए, ये भी रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है, मोलारिटी और मोलालिटी के। क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, मोलारिटी दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये डेंसिटी दे रखी है, मोलारिटी 3 मोलर दे रखी है, कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी निकालनी है। आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे शॉर्ट मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट जरूर करना है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा टॉपिक मोलालिटी खत्म होता है। उसके साथ साथ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि जिससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट होता है। सो अब आप सबके लिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू NCERT अगर मैं चलती हूँ, तो मास परसेंटेज पहला टॉपिक था, फिर था मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, ठीक है, और लास्ट में अब मोल फ्रैक्शन था। तो चारों टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं, इन डिटेल करवा दिए हैं, विद मोर एंड मोर क्वेश्चन करवा दिए हैं। बट स्टूडेंट, अगर मैं कॉम्पिटिटिव को साथ लेके चलती हूँ, तो नॉर्मैलिटी भी एक टॉपिक है। नॉर्मैलिटी अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे तो लिख दूंगी भी लिंक क्या है। साथ ही साथ बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो साइड पे मैंने प्लेलिस्ट खोल के दिखाई है। प्लेलिस्ट कैसे खोलते हैं, आप क्या करना, जो हमारी प्लस वन की प्लेलिस्ट है, मैं उसी में वीडियो डाल दूंगी। वो 12th क्लास के 2nd चैप्टर सॉल्यूशन में भी आता है नॉर्मैलिटी। तो मैंने क्या किया, दोनों क्लासेस का कंबाइन करके विद मोर क्वेश्चंस एक वीडियो अलग से बना दी है। तो वो 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी है, और आप लोगों के लिए भी। अब आप सब ये मत सोचना भी मैम उनका लेवल हाई होगा या लो होगा, नहीं, आपने करना तो है ही। स्टूडेंट्स, मैंने दोनों को कंसीडर किया है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपको तरीका दिखाया, आप देख सकते हो। पहले मैंने अपना यूट्यूब खोला, यूट्यूब ओपन करने के बाद मेरा होम आपको दिख रहा है, जहां पर सारी वीडियोस डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। मैं गई प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट में मैंने देखा प्लस वन का चैप्टर, आप ही की प्लेलिस्ट में डालूंगी, प्लस टू में नहीं जाने की जरूरत। प्लस वन का चैप्टर कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर मैं नीचे आई, आप देख सकते हैं मैंने वीडियो डाल रखी है, कौन सी, नॉर्मैलिटी की। तो यहाँ पर आपको उसकी फोटो भी मैंने दिखा दी है नॉर्मैलिटी वाले की, आप इसको देखिए, वहीं पर उसके क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आई एम देयर फॉर यू। और यहीं पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नॉर्मैलिटी के बाद बच्चों, वापस से आपने आना है अपनी प्लेलिस्ट में, और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट्स और परसेंटेज कंपोजिशंस, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा NCERT के अकॉर्डिंगली, उसे फिनिश करना है। कहीं नॉर्मैलिटी के बाद फिनिश कर दो भी चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी टॉपिक है। Normality is for competitive purpose and for 12th class also. तो वो दोनों चीजों के लिए है, वो प्लस वन में भी आती है, प्लस टू में भी आती है। अगर आप कोई और बुक देखोगे, प्रदीप देखोगे, GRB देखोगे, सब में नॉर्मैलिटी डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने दोनों की कंबाइंड वीडियो आपको दे दी है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, एंड यस, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।